नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज अ पार्टिकल स्टेज एट रेस्ट एज सीन इन अ फ्रेम वी कैन कंक्लूड दैट द पहला ऑप्शन है द फ्रेम इज इनर्शियल दूसरा है रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो तीसरा है फ्रेम में बी इनर्शियल बट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज़ जीरो ऑप्शन डी है द फ्रेम मे बी नॉन इनर्शियल बट देर इज अ नॉन जीरो रिजल्टेंट फोर्स नाउ अगर आपका एक फ्रेम से आप देख रहे हैं इसको ऐसे देखें से फॉर एग्जाम्पल इस पार्टिकल को आपने यहाँ से ऑब्जर्व किया लेटस से ये आपका आ, कोई एक मोशन हो रहा है ब्लॉक का आपने यहाँ से इसको ऐसे ऑब्जर्व किया और दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे दिखे नाओ इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं आ, ये वाला जो मोशन है पार्टिकल सेज ए ट्रेस एस इन इन अ फ्रेम तो इसका अगर ऑप्शन है द फ्रेम इज इनर्शियल पहला ऑप्शन ऐसा ज़रूरी नहीं है फ्रेम आपका इनर्शियल हो ये भी पॉसिबिलिटी है कि यह आपका ट्रेन है ऐसे जा रही है और ग्राउंड से अगर आप खड़े होकर देख रहे हैं सो देन दिस इज नॉट इनर्शियल लेकिन इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है सो ऑप्शन ए इज़ नॉट द राइट आंसर ऑप्शन बी कहता है रिजल्टेंट ऑन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो नाउ इस बी को देखेंगे तो ये भी आपका जरूरी नहीं है बिकॉज इस फ्रेम इस में देखेंगे तो इसके ऊपर फोर्सेज आपके लग रहे हैं जिस वजह से आगे जा रहे हैं सो so जरूरी नहीं है ऑप्शन बी भी ऑलवेज ट्रू हो ऑप्शन सी कहता है द फ्रेम मे बी इनर्शियल बट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो तो हो सकता है फ्रेम ये आपका रेस्ट पे हो ये एक्सलेशन uh, ना हो यह पे हो तो ये पॉसिबिलिटी है कि फ्रेम में भी इनर्शियल और पार्टिकल के ऊपर नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो आ, तो सी इज अ पॉसिबिलिटी अब ऑप्शन ऑप्शन डी डी अगर देखते हैं so कहते है, में भी inertial, है so ये भी आपका सही है कि आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम है सवाल so का ऑप्शन सी एंड डी वुड बी द करेक्ट चॉइसेस